नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं हूँ अनिल बागड़ी फ्रॉम अचरोल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अच्छे ही होंगे, सर्दियों का दिन है, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी, तो अच्छे से पढ़ा करो। तो नरेशन पढ़ रहे थे हम, क्या नरेशन की बात कर रहे थे, उसमें कुछ चेंजेस कर लिए थे, टेंस, प्रोनाउंस और जो पर्संस थे उनके चेंजेस हमने कर लिए थे, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स की, कुछ किस प्रकार चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब्स, वो भी हमने चेंज कर लिए थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे कुछ अलग ही, नहीं है तो नरेशन में, लेकिन नरेशन में चेंजेस भी होते हैं। जैसे जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, यानी नियरेस्ट जो वर्ड होते हैं निकटता, जैसे नाउ हुआ, हेयर हुआ, टूडे हुआ, ये जितने भी वर्ड होते हैं इनको निकटता सूचक शब्द कहा जाता है, यानी नियरेस्ट वर्ड कहा जाता है। इनको हम दूरी सूचक शब्दों में, यानी डिस्टेंस जो वर्ड होते हैं उनमें हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। देखो कैसे, मैंने यहाँ डीएस लिख दिया, क्या लिख दिया, डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच, इधर तो डायरेक्ट स्पीच और इधर क्या इनडायरेक्ट स्पीच यानी आईडी कर दी मैंने। ठीक है, इधर डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच, जो दूरी निकटता सूचक शब्द है जो पास की चीजों को दर्शाएंगे, कम डिस्टेंस को दर्शाएंगे, उनको दूरी डिस्टेंस में यानी अधिक दूरी पे ले जाएंगे, ऐसे शब्दों को हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले देखो नाउ क्या आता है, नाउ यानी नाउ क्या है, नाउ का अर्थ अब, यानी ये निकटता सूचक शब्द को दर्शाता है, निकटता को दर्शाता है, नाउ अब की बात कर रहा है। और इनडायरेक्ट में हम इसे किस में चेंज करेंगे, देन में, किस में, देन में, नहीं नाउ को, नाउ यदि डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट में हम इस किस में चेंज कर देंगे, देन में, हेयर, हेयर को करेंगे देयर में। मैं इनको पास पास लिख देता हूं जो पूरे आ जाए। देखो नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे, यस्टरडे को दा। अब यस्टरडे का अर्थ पहले होता है या बाद में, यानी पहले वाला दिन या बाद वाला, यस्टरडे का पहले वाला, तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या तो आप द प्रीवियस डे करोगे इसका, किसका, यस्टरडे। यदि यस्टरडे डायरेक्ट स्पीच में आपके पास आता है तो या तो आप इसको द प्रीवियस डे में करोगे या द डे बिफोर में करोगे, या किसमें, द डे बिफोर किसमें करोगे, या तो द प्रीवियस डे में करोगे या द डे बिफोर में, किसको, यस्टरडे को, यानी नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, इन दोनों में से किसी में आप चेंज कर सकते हो। टुमारो, अब यहां पे द प्रीवियस यानी पहले की, तो नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि यस्टरडे का अर्थ पहले वाला दिन होता है यानी आज से पहले, तो इसको द प्रीवियस का अर्थ भी पहले, तो द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर यानी एक दिन से पहले। अब टुमारो का अर्थ बाद में होता है यानी अगला जो नेक्स्ट डे होता है, तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का अर्थ क्या होता है, अनुसरण करते हुए यानी एक के पीछे एक, तो द फॉलोइंग डे। अब आगे की बात करें हम, जैसे लास्ट नाइट, कोई आपके पास आ जाए, लास्ट नाइट यानी लास्ट नाइट यानी पहले की रात, आज से पहले की रात, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस
नाइट, किसमें करोगे आप? लास्ट नाइट को, द प्रीवियस नाइट के अंदर, ठीक है। जो अगला जो है दिस का, जैसे हम दिस की बात करें, किसकी? दिस, दिस को किसमें चेंज करेंगे? दैट में, किसमें? दैट में, कि नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, और दिस को दैट में, ठीक है। अगला जो है जैसे दीज, किस, कौन सा? दीज, दीज को दोज में, ऐसे कुछ आपके पास निकटता सूचक शब्द आएंगे किसमें? डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हो तो नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, जितने भी है इनको चेंज करते जाना, बिल्कुल आसान सी बात है। और भी है, यहां तक हो गया होगा, आगे उतारता हूं, इसको साफ कर देता हूं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है ये, बिल्कुल आसानी से समझने की बात है, इसमें कोई हेर फेर वाली बात भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इतना तो सब कुछ करना ही पड़ेगा हमें, यदि जिंदगी में कुछ करना है तो इतना तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे एगो, क्या? एगो, एगो यानी पहले, तो इसको चेंज करेंगे बिफोर में, किस में? बिफोर में, एगो को किस में करेंगे? बिफोर में। यस्टरडे को कर दिया, टुमारो को, लास्ट नाइट, दिस, दिस को कर दिया, दिस को कर दिया, एगो को किस में करेंगे? बिफोर में। जो अगला है जैसे टू नाइट, तो टू डे को क्या करे थे हम? दैट डे, तो टू नाइट को कर देंगे हम दैट नाइट। यदि आपके पास टू नाइट आता है तो इसको हम कर देंगे दैट नाइट, और कुछ ही नहीं है, यानी टू डे को हमने दैट डे में किया था, इसकी जगह डे था, और यहां पे क्या है? नाइट है, और टू ऐसे कैसे? तो टू को किस में? दैट में, और नाइट को नाइट कर देंगे, यानी टू नाइट को दैट नाइट में, ठीक है। अगला जो, जैसे अब एक और आ जाता है, जैसे दस, क्या? थस आ जाता है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? इसको करेंगे हम सो में, किस में? सो में करेंगे। जस्ट, एक आता है जस्ट, अब जस्ट किस में करेंगे? इसको करेंगे देन में, जस्ट को भी हम किस में करेंगे? देन में, ठीक है, जस्ट को हमने देन में कर दिया। देखो देन में, एक तो नाउ को किए थे हमने देन में, और जस्ट को भी किस में करेंगे? देन में करेंगे, ठीक है। अगला जो है जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जितने भी आते हैं नेक्स्ट लग के, उनको किस प्रकार चेंज होगा वो देखो। जैसे आ गया आपके पास नेक्स्ट डे, क्या आ गया? नेक्स्ट डे, तो इसको करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है, द फॉलोइंग डे। आपके पास आ गया नेक्स्ट मंथ, आ गया क्या? आ गया नेक्स्ट मंथ, यानी अगला महीना, तो इसे हम किस में करेंगे? द फॉलोइंग, फॉलोइंग मंथ। बस आपको क्या करना है? ये जोड़ना है, बाकी ऐसे कैसे? फॉलोइंग सब में सेम आएगा, और डे आए तो डे लगाओ, मंथ आए तो मंथ लगाओ, वीक आए तो वीक लगाओ, और नेक्स्ट ईयर, ईयर आए तो ईयर लगा दो। यानी यहां आप जैसे नेक्स्ट वीक आ गया आपके पास, क्या आ गया? वीक, तो आप कर दोगे द फॉलोइंग, फॉलोइंग वीक, बिल्कुल आसान सी बात है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, तो ऐसे बिल्कुल सेम है इनमें। चेंज क्या हो रहा है? डे चेंज हो रहा है, मंथ और वीक चेंज हो रहा है, नेक्स्ट का आप जानते हो, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, बस, और कुछ ऐसी समझने वाली बात नहीं है इसमें। यदि आप ईयर का लिखना चाहो तो ईयर का भी लिख सकते हो, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर।
ये था आपको निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, कि एगो को बिफोर में, टू नाइट को दैट नाइट में, थस को सो में, जस्ट को देन में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में। तो इस प्रकार कुछ छोटे मोटे चेंजेस थे जो आपने सीख लिए होंगे, यदि नहीं सीखे तो सीख लेना, एक दो बार देखना क्लास को, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि और भी कुछ आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसमें नरेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत कुछ रूल्स है और भी, जैसे अपवाद है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। आने वाली जो क्लासे होगी आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है, तो बिल्कुल आप देखते रहिए हमारी क्लास को, क्योंकि हर चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। यदि समझ में आए तो बिल्कुल अच्छी बात है, हर चीज़ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बिल्कुल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि हम कोई कमी महसूस कर रहे हैं। इंग्लिश में यदि कोई कमी महसूस होती है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम अपनी तरफ से क्या पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ इंग्लिश एजुकेशन में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, कि हर चीज़ जुड़ने के बाद ही पता चलती है। यदि आप नहीं जुड़ सकते हमारे से तो ठीक है, यदि जुड़ गए एक बार तो आपको महसूस होगा कि इंग्लिश क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट ही एक ऐसी है, यानी इंग्लिश में आप कुछ नहीं कर पाते तो बहुत कुछ कर जाते हो। यदि कुछ सोचना पड़ेगा, यदि इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखना होगा, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बातों में इंग्लिश आने वाली नहीं है, क्योंकि हर किसी के समझ में नहीं आती। और यदि आप सोच सकते हो तो इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, यदि आप पढ़ने की कोशिश करो तो इंग्लिश बहुत क्या है, आसान सब्जेक्ट है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।